तो ह्यूरेस वीडियो में कॉर्मिनिक बी सिरप के बारे में, भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, सावधानी क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए कॉर्मिनिक बी सिरप एक ब्रांड नेम है, वेनबुर कंपनी बनाती है इसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, तो सेल्फ नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 3-4 साल तक का है तो वहां इसका यूज किया जाता है, लगभग हर दवाई दुकान पर मिल जाती है आसानी से। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, इसके यूज क्या है, तो दोस्तों ये खांसी जुकाम की प्रॉब्लम में बच्चे को दी जाती है, बुखार की प्रॉब्लम में, फ्लू की प्रॉब्लम में, जुकाम लग गया बच्चे को, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद रहता है, बहुत ज़्यादा छिक्की आ रही है, गले में खरखर है, गले में कफ है, चेस्ट में जकड़न है, तो वहाँ ये दी जाती है। वायरल की प्रॉब्लम में, फ्लू की प्रॉब्लम में, बुखार की प्रॉब्लम में, कोल्ड की प्रॉब्लम में दी जाती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं 3 सॉल्ट, पहला है फेनिला प्रिन, दूसरा है पैरासीटामोल, तीसरा है क्लोराफिनरामिन। दोस्तों फेनिला प्रिन एंटी कोल्ड सॉल्ट होता है, कोल्ड की प्रॉब्लम में काम करता है, पैरासीटामोल एंटी पायरेटिक है, बुखार में दर्द में काम करता है, क्लोराफिनरामिन दोस्तों एंटी हिस्टामिन सॉल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है जो कि कई सारी एलर्जियों का कारण बन सकता है। तो इस तरीके से तीनों सॉल्ट मिलकर काम करते हैं। डोज की अगर बात करें तो बच्चे को 5 अमल से लेके 3 अमल से लेके 5 अमल तक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डोज डॉक्टर ही बताते हैं, बच्चे का बॉडी वेट देख के, उसकी उम्र देख के। जानना है अगर इसके बारे में साइड इफेक्ट के, तो देखिए थोड़े बहुत हो सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि नींद आना, दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, वोमिट कर देना बच्चा, डायरिया या कब्ज रहना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी यही है कि डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, देने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसके बारे में डॉक्टर को बताइएगा, और कोई भी मेडिसिन पहले की चल रही है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को पता होना चाहिए। तो इतना संपूर्ण रिव्यू वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ भी समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं।